Good afternoon. I am Dr. Sandeep from the Department of Orthopedics, Ramanan Lohia Hospital. Today we will talk about osteoarthritis. Arthritis is any inflammation that is common भाषा में कहें तो सूजन हमारे जोड़ों की. Most common joints that are involved are knee, hip and shoulder. इसके अंदर mostly Indian populations में knee और hip involved होते हैं. इसके अंदर घुटनों की, कोलों की सूजन आ सकती है, वो लाल हो सकते हैं, दर्द की शिकायत हो सकती है. ये होने के मोस्ट कॉमन रीजंस जो होते हैं वो या तो इन्फेक्शन हो सकता है, या चोट हो सकती है, या फिर ये एज के साथ भी हो सकता है. मोस्ट कॉमन रीज़न सिनाइल होता है, दैट इज़ कि यहाँ एज के साथ साथ कार्टिलेज घिसने लग जाता है, इसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने लगता है. भारत की पॉपुलेशन के अंदर मोस्ट कॉमन ये ओल्ड एज के अंदर दिखता है. ओपीडी में आने वाले ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है. इसके इलाज की बात की जाए तो सबसे पहले सूजन और दर्द को कम करने के लिए हम पेन किलर्स दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं. इसके अलावा कार्टिलेज प्रोटेक्टिंग ड्रग्स आती हैं, वो ऐड ऑन हो सकती हैं. इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल में चेंजेस, जिसके अंदर फिजियोथेरेपी आती है, वेट रिडक्शन आता है, और अवॉइड करनी होती हैं वो मूवमेंट्स जिनके अंदर हमारे घुटनों के ऊपर और हमारे कोलों के ऊपर ज़रूरत से एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है. अगर फिजियोथेरेपी, मेडिसिंस और लाइफस्टाइल चेंजेस से भी अगर आराम नहीं आता है तो लास्ट के अंदर बस एक ही उपाय बचता है, रिप्लेसमेंट का, यानी घुटना या फिर कोला बदले जाने का. तो बेटर यही है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी का पता लगाया जाए और इसका कंजर्वेटिव इलाज स्टार्ट किया जाए. इसलिए जब भी पेशेंट्स के अंदर घुटने या कोले के अंदर कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो बजाय कि खुद उसका ट्रीटमेंट करने के एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. थैंक यू.